नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर 220F। दोस्तों, इस गाड़ी का मैं क्या बताऊं, पिछले दिनों में लाखों लोगों को इस गाड़ी ने दीवाना कर दिया था। बीच में ये गाड़ी बंद हो गई थी, लेकिन फिर से बजाज वालों ने इसको रीलॉन्च किया है और इसका नाम कर दिया है 220F। तो मेरे सामने खड़ी हुई है, इस गाड़ी के बारे में पूरा रिव्यू करूंगा, क्या माइलेज है, कितने रुपए की है, क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या खासियत है इस गाड़ी की। तो इसके लिए मेरे साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा। वीडियो कर देना लाइक, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो कुछ इस टाइप से देखने को लगता है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। पास से लेकर दिखाऊं तो गाड़ी में ये हाई बीम और लो बीम है और ये कंटिन्यूटी लाइट जलेगी आपका, ये हैलोजन में लाइट दी है, सामने जलती रहेगी, ऐसा लग रहा है। तो गाड़ी की आंखें हैं और जो इंडिकेटर हैं वो ट्रेडिशनल हैं, हैलोजन में दिए हैं और फ्लैक्सिबल है, आप देख पा रहे हैं। मैं पास से दिखा दूँ और मैं जलाकर भी अभी दिखाऊंगा इंडिकेटर्स को। देखिए, जलने में कुछ इस टाइप से लगते हैं इंडिकेटर। ये है इंडिकेटर आपका, जल रहा है हैलोजन में, ये देखिए। और इसकी मैं आपको हेडलाइट जलाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हेडलाइट जलने के बाद कुछ इस टाइप से लगती है, ये पूरी तरह से LED हेडलाइट है। और नीचे वाली प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, वो भी मैं आपको जलाकर दिखाता हूँ। तो नीचे वाली जो है प्रोजेक्टर है, ये देखिए, ये जल रही है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी लाइटिंग की। और दोस्तों, ऊपर की तरफ ये दे रखा है ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट वाइज़र और नीचे की तरफ ये बजाज का आ जाता है लोगो, जो बहुत ही काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। छोटी सी जाली दिखाई गई है, मतलब अट्रैक्टिव लगने के लिए गाड़ी को छोटी सी जाली भी लगाई गई है। और ये आ जाते हैं इसके साइड मिरर, वाइज़र के साइड में ही लगाए हुए हैं, ये देखिए। और मैं दिखाऊँ आपको, इस टाइप से कुछ लग रहा है। और आप इसके जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है और जो इसका जो मोटाई है वो काफ़ी है, ताकि आपको बेहतर सस्पेंशन मिल सके। और दोस्तों, ये नंबर प्लेट लगाने की जगह, और पीछे की जो सस्पेंशन है वो स्प्रिंग लोडेड है। फ्रेंड्स, ये देखिए, और दो सस्पेंशन है, मोनो सस्पेंशन देखने को नहीं मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल रही है। देखिए, ये काफ़ी बेहतर मुझे छूने में लग रहे हैं और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है आपके लिए। साइड में देखने से गाड़ी कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। ये आपको मैं राइट साइड दिखा रहा हूँ गाड़ी का, ये टैंक के ऊपर पल्सर का लोगो आ जाता है, जो कि 3D में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्राफिक्स में काफ़ी चेंज किया है, ब्लैक कलर की मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई है और रेड कलर की जो स्ट्रिपिंग लगी हुई है जो काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही है गाड़ी को। अब बात करते हैं इसके पावर की। जो इसमें इंजन लगाया गया है दोस्तों कंपनी ने, वो 220 cc का है और जो पावर है दोस्तों वो है 20.9 PS, जो कि 8500 RPM जनरेट करेगी। और जिसका जो टॉर्क है, यानी कि पिकअप, सबसे मेन आ जाता है पिकअप, यानी कि जब आप गाड़ी भगाएंगे तो इसका पिकअप कितना होने वाला है दोस्तों, तो इसका पिकअप होगा 18.55 NM, जो कि 7000 RPM जनरेट करेगा। अब बात कर लेते हैं इसका गियर, जो गियर शिफ्टिंग है वो 5 मैनुअल गियर दिए हुए हैं, देखिए सिंगल रॉड में दिया हुआ है, जो कि 1 डाउन और 4 अप हैं। ये देखिए, कुछ इस टाइप से आपका लेफ्ट प्रीव्यू गाड़ी का लग रहा है, बिंदास लग रही है गाड़ी। जब चलती थी ना रोड पे, जब स्टार्टिंग में भी आती थी 220 तो अच्छी लगती थी, और फिर से रीलॉन्च की है तो फिर से ये युवाओं की मतलब पसंदीदा गाड़ी बनने वाली है दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, इस गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। दोनों आगे और पीछे दोनों डिस्क ब्रेक हैं, ABS के साथ हैं डिस्क ब्रेक, और काफ़ी बढ़िया आपको इसकी कंट्रोलिंग भी मिलने वाली है। आगे पीछे डिस्क हैं तो मतलब फिसलना तो बनता ही नहीं है दोस्तों, और बढ़िया आपको इसमें पिकअप और आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी ज़बरदस्त मिलेगा दोस्तों गाड़ी में। अब बात कर लेता हूँ उसके टायर साइज़ की। जो उसका जो टायर साइज़ है वो 17 इंच के व्हील्स के साथ 90x90 का है, और पीछे का भी 17 इंच के व्हील्स के साथ 120x80 का है। और पीछे का टायर देखिए कितना चौड़ा है, अब काफ़ी बेहतर ग्रिप बनेगी और फिसलने का तो डर ही नहीं है, क्योंकि ग्रिपिंग इसकी काफ़ी अच्छी दे रखी है टायर की, ये देखिए। और वहीं पीछे नंबर प्लेट लगाने की जगह आ जाती है, यह आ जाता है रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर नंबर प्लेट को विजिबल करने की यहाँ पर लाइट भी दी हुई है, और ये LED में इसकी बैकलाइट है। वो सीट के नीचे ही इन लोगों ने, जो मतलब पल्सर का एक ट्रेंड है ना, जो सीट के नीचे ही इन लोगों ने आपका बैकलाइट दी है, तो काफ़ी बेहतर लग रही है। पीछे के इंडिकेटर भी फ्रेंड्स हैलोजन में दिए हुए हैं, फ्लैक्सिबल है, मैं आपको हिला कर दिखा रहा हूँ। फ्लैक्सिबल होने का ये फ़ायदा रहता है ना, इंडिकेटर जैसे टकरा जाए तो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, ये फ्लैक्सिबल रहता है, ये देखिए। वहीं बात करूँ अगर मैं इसकी टैंक कैपेसिटी की, 15 लीटर इसके अंदर पेट्रोल आने वाला है फ्रेंड्स, और जो इसका माइलेज जो कोट किया है और जो कस्टमर फीडबैक है वो 35+ इसका जो माइलेज रहने वाला है, यानी कि अगर आप बेहतर कंडीशन में इस गाड़ी को रन करेंगे। गाड़ी में डबल हॉर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी हार्ड साउंड के हैं, मतलब पता नहीं जब गाड़ी रोड पे भागती है और जब आप हॉर्न बजाते हो साइड सामने वाला तुरंत हट जाएगा। और ये आपका जो ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता है आपको इसके अंदर, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ। अब मैं बात करूँगा इसके हैंडल बार के बारे में, देखिए
कुछ इस टाइप से लगता है, पूरा डिटेल बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। इसका जो हैंडल बार है वो पूरी तरह से स्पोर्टी लुक में, देखिए किस तरह से कट में, मतलब एक कट ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब डब्लू शेप का अगर कहेंगे तो डब्लू शेप का इसका एम शेप कहेंगे उधर से, कहेंगे तो डब्लू शेप का इसका हैंडल है देखिए। और का हाई बीम लो बीम स्विच आ जाता है, ये पासिंग स्विच आ जाता है इसका, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न, हॉर्न में आपको बजा के दिखाऊं, काफ़ी हार्ड साउंड है, डबल साउंड बढ़िया रहती है। इंजन पावर कटअप का स्विच आ जाता है और ये आपका सेल्फ का आ जाता है। आपको मीटर दिखाता हूँ, मीटर इसका एनालॉग और डिजिटल दोनों मिलेगा। ये देखिए कुछ इस टाइप से, साइड स्टैंड, बैटरी लो, और ये देखिए यहाँ पर स्पीड आएगी, यहाँ ऑडोमीटर आ जाता है इसका, कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, टैंक का आ जाता है, और आपका फ्यूल का इंडिकेशन आता है, ABS की भी दिखा रहा है, ये आपका इंजन का वही कूलिंग वाला दिखा रहा है, माल फंक्शन स्विच दिखा रहा है, ये RPM का दिखा रहा है, और ये RPM लिमिट की भी लाइट जलेगी इसके अंदर, फ्यूल का दिखा रहा है, सारा इंडिकेशन आपको ये दिखा रहा है। और ये इंडिकेटर आपको मैं दिखाऊँ, ये इंडिकेटर का आ जाता है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल अभी गाड़ी खड़ी हुई नहीं है, ये न्यूट्रल का है ये वाला, और ये हाई बीम लो बीम का है, ये ABS का है। यहाँ से आप ट्रिप वन ट्रिप टू यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर जो दिया हुआ है ये देखिए। और फ्रेंड बजाज अपनी गाड़ियों में ना, मतलब जो आपका जो हैंडल बार है और जो स्विचेस हैं, आप जैसे आपका ये आ गया हाई बीम लो बीम, तो इसकी जो लाइटिंग जलती है ये इसकी गजब की लगती है, जैसे हर चीज़ की लाइटिंग अलग से जल रही है देखिए। ये बहुत कमाल का फीचर मुझे बजाज के अंदर लगता है। और मैं दोस्तों बता दूँ, इसके अंदर साइड स्टैंड रिमाइंडर भी, जैसे आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट भी नहीं होगी और बता भी देगा कि हाँ भाई साइड स्टैंड लगाओ, आप लगा हटाकर आप अपनी गाड़ी को आगे चला सकते हैं। वहीं अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूं तो एग्जॉस्ट को काफ़ी इन लोगों ने आपकी बार अट्रैक्टिव बनाया है, ब्लैक कलर से कोट किया है, और ये छोटा सा पोर्शन दिया है जिस पे आप अपना पैर रख सकते हैं ताकि आपके शूज़ का सोल वगैरह ना जले, और ये छोटा सा प्रोटेक्टर लगाया है साइड से अगर कोई निकलता है तो, अगर क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट आपका गर्म रहता है तो कोई जले वगैरह ना। और ये देखिए कितना प्यारा शेप है एग्जॉस्ट का, ये देखिए, और मैं इसकी साउंड भी आपको सुनाऊंगा अभी, मेरे साथ वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों इसकी मैं साउंड सुनाने जा रहा हूं आपको, मतलब बढ़िया साउंड है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और मतलब दमदार भी साउंड लग रही है इसकी मुझे। अब बात करते हैं इस गाड़ी की लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इसकी गाड़ी की जो लेंथ है वो 20,035 यानी 2035 mm की है, और जो उसकी विथ है यानी कि जो चौड़ाई है ये होती है इसकी चौड़ाई वो 750 यानी कि 750 mm की है, और जो उसकी हाइट है यानी कि यहाँ से लेकर नीचे तक जो इसकी हाइट है वो 1165 यानी कि 1165 mm की है, और व्हील बेस यानी कि ये व्हील बेस ये कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो 1350 mm की है यानी कि 1350 mm की है, और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी गाड़ी के लिए, जो 165 mm का है, और कर्व वेट यानी कि इसकी गाड़ी का जो कर्व वेट होने वाला है वो 160 यानी कि 160 किलो का इस गाड़ी का कर्व वेट होने वाला है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस गाड़ी की एक्सशोरूम प्राइस की, जो कंपनी ने इसका एक्सशोरूम प्राइस निर्धारित किया है वो किया है 1,37,574 रुपये यानी कि 1,37,574 रुपीज़ ओनली। प्राइस सेगमेंट भी ज़्यादा हाई नहीं है, तो इस गाड़ी को आप पसंद कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं अपने घर पर भी। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सपनों गाड़ी अपने घर पर लेके जाना चाहते हैं तो मैं हूँ अलीगढ़ में शिवा बजाज, जो कि दुबे के पड़ाव के पास है GT रोड अलीगढ़ में, तो आप यहाँ पर शोरूम पर विज़िट कर सकते हैं और बेहतर डील ये शोरूम पर पा सकते हैं और ये सपनों की गाड़ी अपने घर पर लेके जा सकते हैं। तो ये रिव्यू था बजाज पल्सर 220F बाइक के बारे में जो हाल ही में लॉन्च हुई है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।